अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ मिल्क पाउडर गुलाब जामुन बिना मावे का, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर रेडी होता है ये गुलाब जामुन। तो यहाँ पे देखिए हमारे गुलाब जामुन है, जो कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है, यहाँ पे 100 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। आप किसी भी तरह का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अमूल का मिल्क पाउडर लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने मिल्क मेड लिया है, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर लिया है, और साथ ही साथ थोड़ा सा 1/2 स्पून मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे 2 स्पून मैंने घी लिया है, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क लिया है। तो मिल्क को एक बार में नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे हम ऐड करेंगे, और इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा आपको डो बना लेना है। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा घी का और यूज किया है, इससे हमारा जो गुलाब जामुन है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा और घी डाला है, और इसमें थोड़ा सा 2 स्पून और हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और इसे थोड़ा सा और हम इसे डो को अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो डो है बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। और तो चलिए तब से हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप शुगर लिया है, और उसी का मैंने 2 कप वाटर लिया है। वाटर मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा लिया है, क्योंकि गुलाब जामुन का जो होता है चाशनी बहुत पतला होता है। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ 2 इलायची लिया है, 2 छोटी इलायची। यहाँ पे देखिए हमारा डो जो है इतना अच्छे से फूल चुका है। अब इसे हम राउंड शेप में इसे गुलाब जामुन का शेप देंगे। यहाँ पे देखिए हमने सारी गुलाब जामुन बना ली है, और अब इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अब चाशनी हमारी हो चुकी है, और इसे हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें हम अच्छे से इसे लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे हल्का तेल गर्म हो चुका है, और हमने थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जामुन डाले हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो गुलाब जामुन है कितने अच्छे से फूल चुका है। और यहाँ पे आपको दोनों तरफ से चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। ऐसे बिल्कुल हम इस तरह से चलाएंगे, ताकि दोनों तरफ से ये चारों तरफ से एकदम डार्क ब्राउन हो जाए। यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल डार्क ब्राउन। यहाँ पे हमने सब छान के फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इसमें हम चाशनी भी हल्की थोड़ी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें 4 से 5 घंटे तक के लिए हम इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, माशाल्लाह हमारा गुलाब जामुन जो है चाशनी में कितनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है, और कितने सॉफ्ट और कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो आप भी घर में अगर मिल्क पाउडर हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर घर में मिल्क पाउडर अवेलेबल होता ही है, तो आप ज़रूर एक बार इस गुलाब जामुन को ट्राई कीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट, कितने स्पॉन्जी बना है हमारा गुलाब जामुन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में से शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।